बिल्कुल 11 सीजन है गोल्ड अवार्ड का एंड कंग्रेचुलेट और गोल्ड अवार्ड बहुत ही यू नो फेमस है और बहुत अच्छे आर्टिस्ट सबको मिलता है. मैं पूरी गोल्ड अवार्ड ही बन के आई हूँ. यू कैन सी फुल गोल्ड. मेरी जिंदगी के सारे पल गोल्डन पल है और कोई भी ऐसा पल नहीं है जिसे मैं भूल पाऊँ. तो गोल्ड अवार्ड तो मुझे मिलना चाहिए. गोल्डन जुबली नहीं मिलना चाहिए, गोल्ड अवार्ड मिलना चाहिए. ओ रियली, मुझे नहीं पता कि गोल्ड. ओके, दिस गोल्ड यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके हाँ, तो गोल्ड अवार्ड में गोल्डन कारपेट है एंड इसे गोल्ड ड्रेस में वॉक करना चाहिए. और ये मेरी फ्रेंड अर्शी खान है. देखो ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और तुम नज़र नहीं लगा. तुम हमेशा एक ही सवाल पूछते हो कि आप लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, ऐसा वैसा. नज़र नहीं लगा ना? हाँ नज़र नहीं लगनी चाहिए. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है आपको सीज़न 11 था बिग बॉस का. 11वें हफ्ते में मैं कैप्टन बनी. मेरा लकी नंबर है 11 और ये गोल्ड अवार्ड भी है 11. तो गोल्ड अवार्ड अर्शी खान को बिग बॉस के लिए मिलने चाहिए. नहीं दे रहा, लेकिन हम छीन लेंगे. हम छीनने आए हैं आज अवार्ड, गोल्ड अवार्ड. जैसे हमने राखी से पूछा, आपकी लाइफ का कोई ऐसा गोल्डन पल है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं बिग बॉस के, बहुत अच्छे हैं. बिग बॉस से आने के सलमान के साथ परफॉर्म किया, वो है सलमान के साथ परफॉर्म किया, बहुत सारी चीजें. बहुत सारे हैं, क्यों बताऊँ. मेरी लाइफ में गोल्डन मोमेंट है जो मैंने स्वयंवर किया था, तो एंगेजमेंट करके तोड़ दिया था. दैट वाज मेरा गोल्डन मोमेंट है. क्या बोलो, अभी सलमान साहब को उसमें से 5 करोड़ हमें दे, मुझे तो देना चाहिए. मुझे भी नहीं, आपको क्यों? मैंने क्यों, मैंने तो सलमान के लिए रेस के लिए कितना बोला है, लोगों को कहा कि सारे पैसे कब्र में ले जाओगे, जाके बैंक से पैसे निकाल के रेस 3 फिल्म देखो. तो मैंने तो कहा था मुझे भी थोड़े मिलने चाहिए. जी वो ट्रोलिंग, आई डोंट नो. हम तो हमारे दिल से बात करते हैं. जब रेस 3 अच्छी फिल्म है, मुझे बहुत अच्छी लगी, एक इंटरनेशनल स्टाइल. डेजी शाह एंड जैकलिन, उनकी जो कैट फाइट थी दैट वाज रियली नाइस. जैकलिन का पोल डांस, डेजी शाह का एरियल डांस, सलमान खान फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ एक ही आदमी इंटरनेशनल सलमान खान और कोई इंटरनेशनल से लोग मूवी देख रहे हैं, बाकी और कोई नहीं. सलमान खान के अलावा कोई है ही नहीं. सलमान खान की इंटरनेशनल फाइट थी, मुझे सिल्वेस्टर स्टैलन लगे वो. थैंक यू, थैंक यू. आप बताइए मेरा लुक कैसा लग रहा. थैंक यू सो मच. सोम्या की मेहनत सफल हो गई. थैंक यू सोम्या, थैंक यू सो मच. आपके लिए